हाय गाइस, आज मैं अपने नए दोस्त के घर आया हूँ और तो उनसे मिलते हैं, तो आए फिर उसे आपको मिलवाता हूँ। उस्मान कैसे हो? कैसे हो भाई? क्या लोग नहीं हैं? क्या हुआ? हैंड शेक ना करो यार, कोरोना तुझे पता है। आओ आओ बैठो। कैसे आना हुआ ये बताओ। कुछ नहीं, बस वैसे ही भाई, आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं ये दिखा दो। ऑडी A7 मैंने अभी परसों ली है, ये देखो पिक्चर उसकी। अभी ड्राइवर गया हुआ है, आ रहा है, आता है तुझे उस पर राइड देता हूँ। सारी बातें छोड़ो, मुझे ये बताओ कि मैं भी आपकी तरह कैसे अमीर हो सकता हूँ? तेरी शक्ल है अमीर होने वाली भाई। क्या तेरी शक्ल है? दो कोड़ी का तो यूट्यूब पर है, कोई लाइक तुझे करता नहीं है ना, व्यूज मिलते हैं। शक्ल शक्ल पे लिखा होता है, शक्ल पे लिखा होता है बंदे ने अमीर। तेरी शक्ल नहीं मिल रही, कपड़े देखो अपने, ये हालत देखो, कैसे अमीर हो सकता है? मुझे कुछ बताओ। कुछ भी नहीं, तू हो ही नहीं सकता अमीर। जब मैं तुझे कह रहा हूँ, तेरा फेस लुक, तेरा लक, हर चीज फेल है, तू अमीर नहीं कभी भी हो सकता भाई। वो आपका दोस्त आया हुआ भाई, वो वापस करो। और वो आपके पापा की कार आई हुई थी, वो कह रहा है अगर बाइक को पंचर लगता है तो कार आओ जल्दी। वेल गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। तो आज का यार हमारी वीडियो बनाने का मकसद यही था कि जो लोग आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी जो है ना अपनाते हैं, और ज्यादातर यार लोग वो जो है ना फेक होते हैं, ठीक है, क्योंकि 90% जो लोग है ना वो अपनाते हैं आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी, दूसरों से जेलस हो के शो ऑफ करते हैं और लेग पुलिंग करते हैं कि कोई बंदा हमारे लेवल पे ना आ जाए या हमें कॉपी करके हमसे ही आगे ना निकल जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो दिस इज द मेन रीजन। बिल्कुल। तो हमें चाहिए कि बजाय किसी को डिसहार्ट करने के, बजाय किसी का दिल दुखाने के, वी हैव टू मोटिवेट देम फॉर डूइंग वेल एंड डू सम हार्ड वर्किंग। सो दिस इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल। एक मैं आपको ये एक और बात बताना चाहता हूँ, और जो लोग ग्राउंड रियलिटी, मतलब के उनकी अपनी कोई औकात नहीं होती, ठीक है, और वो लोगों को मोटिवेट करने की बजाय उनको जो है ना वो जो है ना डिसहार्ट करते हैं। ओके, आई होप आपको वीडियो देखने का मजा आया होगा, एंजॉय किया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।